हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हमारे पास एक सीआरटी टीवी आया है जो कि एलजी का है। तो इसमें क्या फॉल्ट है फ्रेंड्स, आपको मैं चेक करके दिखा देता हूं। पहले यहां पे हम देंगे पावर, उसके बाद अब देख सकते हैं क्या फ्रेंड्स से कुछ आता या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सिर्फ हमें आवाज़ ही सुनाई दे रही है, बाकी इसमें पिक्चर वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आखिर इसमें किस सेक्शन से दिक्कत होती है, आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका बैक कवर जो है ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर सीआरटी टीवी में आता ही है। तो इसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसे हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं आज। और ये देख सकते हैं कि इसका ये बेस है और ये जो मेन पीसीबी फ्रेंड्स, और उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स भी लगे हुए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो EHT लगी हुई है उसका नंबर भी आपको हम दिखा देते हैं। देख सकते हैं 6006M, इस तरह से इसका नंबर फ्रेंड्स। यहाँ पे दूसरा EHT नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा EHT अगर लगाओगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा और कोई भी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसी नंबर का फ्रेंड्स लास्ट में जो EM लिखा हो फ्रेंड्स, वो EM होना ही चाहिए अगर आप दूसरा EHT यहाँ पे लगा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सेकेंडरी साइड से होता है, प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। उसके बाद में हम इस पीसीबी को उल्टा करेंगे और उल्टा करके हम आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे कि आखिर वो वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने पीसीबी को उल्टा कर लिया है और ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये हमारा जो है ये वाला सेक्शन, ये प्राइमरी सेक्शन है ये वाला पूरा। और उसके बाद में फ्रेंड्स इस लाइन के बाद यहाँ पे हमारा जो भी है सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट होता है, ये सब पूरा सेकेंडरी सेक्शन है फ्रेंड्स ये पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेते हैं DC के रेंज में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमने साउंड का कनेक्टर निकाल लिया है, जिस वजह से आवाज़ नहीं आ रहा है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ वोल्टेज में चेक करते हैं। पर देख सकते हैं कि कुछ वोल्टेज लिखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 14 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 8.5 और यहाँ पे VCC और ये ग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 वोल्ट भी लिखा हुआ है। तो चलिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले इस 14 वोल्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जम्पर लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। देख सकते इस 14 वोल्ट को चेक करेंगे, देखते हैं आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 14 वोल्ट आ रहा है परफेक्ट। उसके बाद हम चेक करेंगे इस 8.5 वोल्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद में ये इस पिन पे आया हुआ है फ्रेंड्स। तो उसके बाद में यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, देख सकते हैं इस पिन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि VCC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि VCC लिखा हुआ है, तो VCC पे भी हम वोल्टेज चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे 20 से 25 वोल्ट के करीब आता या नहीं। तो देख सकते हैं कि VCC के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि 24 वोल्ट के करीब यहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, जो कि परफेक्ट है। उसके बाद हम चेक करेंगे इस 35 वोल्ट को, देखते हैं यहाँ पे 35 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं कि इसका जो ट्रैक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ आया है एक रजिस्टर पे, उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे आया है, देख सकते हैं एक डायोड लगा के। तो इस डायोड पे कितने वोल्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स, हम चेक करते हैं, देख सकते हैं कि 35-36 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है हमें, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वोल्टेज चेक करेंगे जो कि EHT सप्लाई के लिए जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि B+ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक डायोड लगा हुआ है फ्रेंड्स, जो कि 110 सप्लाई के लिए जाता है फ्रेंड्स। तो हम इसे भी चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि 110 वोल्ट को फिल्टर करता है, और यहाँ पे भी एक लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को पहले चेक करके देखते हैं कि आखिर कहीं इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 110 लाइन के लिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये कुछ हमें फुला हुआ नज़र आ रहा है हल्का, और इसके बगल में ये भी एक लगा हुआ फ्रेंड्स, जो कि दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, पर एक बार इसे भी हम निकाल के चेक करेंगे।
और ये तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि थोड़ा सा अब फुला हुआ नजर आ ही रहा है, तो इसे हम पहले चेंज करते हैं, उसके बाद में हम इसे भी निकाल कर चेक करते हैं। देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ये तो फुला हुआ था, और पीछे से अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो लेग है फ्रेंड्स ये बिल्कुल एकदम बुरी तरह से ख़राब हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम एक बार चेंज करके देखते हैं, उसके बाद में इसे भी हम निकाल के चेक करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ था ये वाला, तो इसके जगह पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसे हम लगाने वाले हैं, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 220 UF 160 वोल्ट का ये कैपेसिटर फ्रेंड्स। तो इसे हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस कैपेसिटर को निकालते वक्त इसका जो एक लेग है फ्रेंड्स वो टूट गया था, देख सकते हैं कि इसमें भी कार्बन सा आ गया है, और इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके जगह हम दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे, जो कि देख सकते हैं कि ये वाला है, इसका भी आप वैल्यू देख सकते हैं 47 UF 160 वोल्ट का ये कैपेसिटर फ्रेंड्स। तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद में हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद में हम यहाँ पे दोबारा इस वोल्टेज को चेक करेंगे 120-110 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो चलिए प्रॉपर्टीज के हम तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने दोनों कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिए हैं, देख सकते हैं कि हमने सप्लाई दे दिया है, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्क्रीन भी आ गया है प्रॉपर। और अब देखते हैं यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो प्रॉपर आया या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना जो प्रॉब है वो ग्राउंड कर लिया है, और यहाँ पे हम 200 की रेंज में रख लेंगे मल्टीमीटर को, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 14 वोल्ट है यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो ये देख सकते हैं ये भी ओके है। उसके बाद में नेक्स्ट जो था 8.5 वोल्ट, अब देखते हैं उस पर कितना आ रहा है, देख सकते हैं कि उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद में VCC भी चेक कर लेंगे हम, तो देख सकते हैं कि ये भी सही है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम चेक करेंगे 35 वोल्ट कि यहाँ पे 35 वोल्ट 35 वोल्ट भी हम चेक कर लेंगे, तो ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए ये भी प्रॉपर आ गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स जो मेन वोल्टेज है फ्रेंड्स वो जो कि ST को ऑन करने के लिए चाहिए, जो कि 110 वोल्ट है 110, आप देखते हैं कि वो वोल्ट आया या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिन पे हम वो वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा जो वोल्टेज प्रॉपर आ गया है, वो पहले क्या हो रहा था कि फ्लक्चुएट हो रहा था वोल्टेज, अप डाउन हो रहा था, मल्टीमीटर में शो नहीं हो पा रहा था वोल्टेज, तो अभी देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज फ्रेंड्स वो प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। एक बार दोबारा आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो फॉल्ट था वो यहीं पे था, जो कि ये जो कैपेसिटर फ्रेंड्स 160 वोल्ट का है ये दोनों पूरी तरह से खराब हो गए थे, ये तो फ्रेंड्स शॉर्ट ही हो गया था और ये भी वीक हो गया था फ्रेंड्स। तो अभी हमारा जो फॉल्ट फ्रेंड्स वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस पे भी हम वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि 180 वोल्ट होता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि हमारा जो 180 वोल्ट है फ्रेंड्स उस पे उस लाइन पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 180 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे हीटर का भी सप्लाई चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारे हीटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हीटर का सप्लाई है वो 3.8 यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ हमारा ओके हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो फ्रेंड्स आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।